किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है। आपको यह तय करना है कि दल के इतिहास में रहिएगा या किसानों के दिल के इतिहास में रहिएगा। इस सत्य को, जीवन के इस मर्म को समझिए। सत्ता में नबी रहे और रहे भी, तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के सब खेतों की मेड़ों पर जाएंगे तो टूटी ही मेड़ें आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था तब आप संसद में क्या कर रहे थे। उदास दल के गांव के ये पूछेंगे, उनके चेहरे जो अभी खिले रहते हैं वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए तो आप संसद में क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि हम डबल करेंगे इनकम। सर कहां कब्र में लिटा करके इनकम उसके ऊपर लगा दोगे, वो बचेगा ही नहीं, वो उसके खात्मे की इबारत आप लिख रहे हैं। और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ हाथ खड़े कर कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं, हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाए। किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें बुरा मत मानना, मैं मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं डाल सकता। चार लाइन में कहना चाहता हूं कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इस सत्य को, जीवन के इस मर्म को समझिए। सत्ता में नबी रहे और रहे भी, तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के सब खेतों की मेड़ों पर जाएंगे तो टूटी ही मेड़ें आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था तब आप संसद में क्या कर रहे थे। उदास दल के गांव के ये पूछेंगे, उनके चेहरे जो अभी खिले रहते हैं वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए तो आप संसद में क्या कर रहे थे। क्या जवाब देंगे आप? हम जवाब देने लायक नहीं होंगे। मुझे तो लगता है कई दफा, मैं माफी के साथ कहता हूं, हमारे मंत्री महोदय संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन क्या संकल्पना किसानों की हॉलीवुड की फिल्मों से लेके आ रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के किसान को समझते हैं आप? छोटे मझोले जोत के, मैं एक परिवार से आता हूं, कल्पना करिए बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में 4 कट्ठा 5 कट्ठा 6 कट्ठा 1 बीघा जो कंजम्पशन से थोड़ा ऊपर, उसकी खरीद के लिए शार्क आएगा वहां, उसके उत्पाद के खरीद के लिए। मैं समझता हूँ थोड़ा चिंतन, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए। जमाखोरों बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं तो आपके, जो मैं बिल का अध्ययन करता हूँ तो आप रोहू कतला को हटा करके शार्क को ला रहे हैं। कमाल कर रहे हैं साहब, कमाल कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और हर बीबी सदारनी हर सिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आप बताएं किसान आपकी बात कैसे मांगे। बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आजादी। MSP और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दिया? ये इतने कच्चे कान के खिलाड़ी है कि सिर्फ अफवाह सुनकर एक मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा। समाप्त कीजिए संजय राउत।